हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ गुड आफ्टरनून हर्ष, शिवम, साहेब, सारिका, आदित्य, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। यस सर, यस सर, यस सर। हेलो मनमीत, कनिष्क, शिवम, वंश, दिव्या, हरित। ओके ओके ओके। तो बहुत बहुत गुड आफ्टरनून सभी प्यारे प्यारे बच्चों को, भोले मासूम बच्चों को। बहुत बहुत गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सभी को, बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं सारे बच्चे? कैसी चल रही है पढ़ाई? आज फिर से मुलाकात हो गई आपसे। आज हम करेंगे अपने इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर डिस्कस। तो कैसी चल रही है पढ़ाई? कैसी चल रही है तैयारी? लेट्स अपडेट फटाफट। हेलो हेलो सभी को, हेलो सभी को, नमस्कार सभी को, बहुत बहुत प्रणाम। आई एम फाइन। तो कैसे हैं सब बच्चे? बढ़िया चल रही है? ओके झकास, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। ममतेश पढ़ना शुरू करो। बढ़िया, ओके, वेरी गुड। स्टेप बाय स्टेप चल रही है। आई एम फाइन, आई एम फाइन। बढ़िया चल रही है, रिवीजन हो रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। शुभम पढ़ना शुरू करो तुम भी। ओके ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, ठीक है। ओके ओके, चलो ठीक है, मजे में। बढ़िया, चलो ठीक है बच्चों। तो निकाल लो आज अपना रजिस्टर, पेन, और मेंटली प्रिपेयर होकर बैठो। आज हमको एक दूसरा पेपर आपके साथ डिस्कस करना है, राइट? लास्ट क्लास में हमने एक पेपर डिस्कस करा था, आज दूसरा पेपर डिस्कस करेंगे पूरा। तो बिल्कुल जब पेन रजिस्टर तैयार हो और मेन मेंटली बिल्कुल तैयार हो तो मुझे भेजना लिख के, रेडी? यस सर, तैयार है। तो फिर शुरू करेंगे हम आज का अपना पेपर। अच्छा जी, पहले ही निकाल लिया। रेडी, तैयार हैं सब? ओके ओके, क्या बात है। ठीक है फिर तो, चलो बहुत बढ़िया। तो आज हम पेपर करेंगे बच्चों, किताब के हिसाब से क्रमांक संख्या नंबर है 3, तो वो पेपर करते हैं फिर शुरू। सब बच्चे कह रहे हैं हम तो तैयार हैं सर। ओके ठीक है जी, रेडी। चलो तो सबसे पहले सेक्शन ए शुरू करेंगे एज यूजुअल। पेज नंबर 30 है, अगर किसी के पास किताब है निकालनी है तो पेज नंबर 30। बिल्कुल ध्यान ध्यान से मेरे साथ साथ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है चेंज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू। तो ये हमारा वैल्यू एडेड मेथड जो है उसका एमसीक्यू पूछ रहा है। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, GVOMP। तो इसका आंसर है सीधा सीधा ए। फिर इसका चॉइस क्वेश्चन है, और सेल ऑफ एन ओल्ड कार इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज, कह रहा है एक पुरानी गाड़ी जो हम बेचते हैं उसको नेशनल इनकम में नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? बिकॉज इट हैज बिकम ऑब्सोलीट, बिकम एन ओल्ड कार नहीं, इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द करंट प्रोडक्शन प्रोसेस।
बिल्कुल सही। हम पुरानी गाड़ी की सेल क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो करंट प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट नहीं है। वो तो पहले ही जब बनी थी पहली बार, तब प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट हो चुकी थी, तो इसीलिए उसको हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं। तो यानी कि बी ठीक है, बच्चे भी सही भेज रहे हैं, वेरी गुड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ ए बैंक्स टोटल डिपॉजिट विच इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट विद आरबीआई। कह रहा है जो बैंक का पोर्शन आरबीआई के पास यानी दादाजी के पास रखना पड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो दादाजी के पास हम क्या रखवाते हैं? कैश रिजर्व रेशियो। तो इसका आंसर हो गया CRR, कैश रिजर्व रेशियो, CRR। सही, बच्चे भी सही। हर्ष, संतोष, रिया, भावना, साहिब, तेजस, आस्था, संतोष, सबका सही, वेरी गुड। डन डना डन डन, ओके ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन, तो क्वेश्चन नंबर तीन में देखते हैं क्या कह रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द लोन अमाउंट एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोअर अगेंस्ट द लोन इज कॉल्ड। कह रहा है कि लोन अमाउंट और जो सिक्योरिटी की मार्केट वैल्यू होती है, उसके बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं? ठीक है, लोन की वैल्यू और सिक्योरिटी की वैल्यू का जो डिफरेंस होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं बच्चों? वेरी गुड, सही। उसको कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है ना, उसको बोलते हैं मार्जिन। तो बोरोअर जितना लोन लेता है और बदले में जो सिक्योरिटी देता है, उसके डिफरेंस को बोलते हैं मार्जिन। तो फॉर एग्जाम्पल, मैंने बैंक से 100 रुपए का लोन लिया और बैंक को 120 रुपए की सिक्योरिटी दी, तो बैंक वाला कहेगा मेरे पास 20 रुपए का मार्जिन है, तो इसे बोलते हैं मार्जिन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर में मैच द फॉलोइंग करने हैं। डायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स याद है आपको कौन सा होता है? डायरेक्ट टैक्स, हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड, टैक्स इम्पोज्ड, टैक्स इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल इनकम, टैक्स इम्पोज्ड ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। बताइए जी, डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है जो किसी इंडिविजुअल व्यक्ति पर लगता है या किसी कंपनी के मुनाफे पर लगता है, उसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी पूछ रहे क्या है, तो एक्साइज ड्यूटी बताओ क्या है? एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? जो गुड्स के प्रोडक्शन पर लगती है, टैक्स इम्पोज्ड ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स की परिभाषा याद है? इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है जिसका बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं दूसरे व्यक्ति पर, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, वेरी गुड। और फोर्थ कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी सबको पता ही है, कस्टम ड्यूटी क्या होती है? जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर लगती है गुड्स के, उसको बोलते हैं इंपोर्ट कस्टम ड्यूटी, ठीक है, सही, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके ठीक है, ये भी हो गया सिंपल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पांच, क्वेश्चन नंबर पांच में कह रहा है इन करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, चार स्टेटमेंट दे रखे हैं। नंबर वन, बैलेंस ऑफ पेमेंट मेजर द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम, तो ये तो गलत कह रहा है। सेकेंड, बैलेंस ऑफ पेमेंट मेजर्स द डिफरेंस बिटवीन ऑल रिसिप्ट एंड ऑल पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय अ कंट्री। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम सारे ही रिसिप्ट और सारे ही पेमेंट का डिफरेंस ले लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज का, ये सही कह रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट, कह रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, तो ये तो गलत कह रहा है। फोर्थ, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, ये सही कह रहा है।
तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट सही है और फोर्थ स्टेटमेंट सही है। तो अब ABCD में ऑप्शन क्या बनेगा, कौन से दोनों स्टेटमेंट सही हैं, वन और फोर, टू और फोर। टू और फोर बोले तो ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। हाँ बच्चों का भी सही है, ऑप्शन नंबर बी, टू और फोर। ठीक है, ओके ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स, फिर आएंगे केस बेस्ड। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन डिपेंड्स डिपेंडेंट ऑन अदर ट्रांजेक्शन द BOP अकाउंट आर कॉल्ड। कह रहा है कि वो ट्रांजेक्शंस जो निर्भर करती हैं, जो डिपेंडेंट होती हैं दूसरी ट्रांजेक्शन पर BOP की, उन्हें क्या कहते हैं। चलो ये बताओ, ये बताओ सही। जो डिपेंडेंट होती हैं, दो तरह की ट्रांजेक्शन होती हैं, याद है। एक होती है इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन, इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन बोलते हैं ऑटोनॉमस वालों को, और एक होती है डिपेंडेंट ट्रांजेक्शन। तो डिपेंडेंट वाली कौन सी होती है, डिपेंडेंट ट्रांजेक्शन कौन सी होती है, डिपेंडेंट ट्रांजेक्शन होती है एकोमोडेटिंग वाली। यस सही भेजा बच्चों ने, वेरी गुड। चलो तो अब बताओ किस किस के 6 नंबर पक्के, तो मैं दिल भेजूं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 नंबर डन। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के डन सही आ रहा है यहां तक तो सबका। चलो वेरी नाइस, वेरी नाइस, क्या बात है। ओके ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है पक्के, ओके। चलो अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक जो रहते हैं वो अपने केस बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। रीड द फॉलोइंग, ठीक है। तो कह रहा है फॉलोइंग पढ़ो, तो पढ़ो फॉलोइंग क्या कह रहा है। इन एन इकोनॉमी सपोज देयर इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 4500 एंड 2500 रेस्पेक्टिवली। गुड्स का एक्सपोर्ट है 4500 और सर्विसेज का एक्सपोर्ट है 2500, एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स आर 1000 और 1500। सर्विसेज का इम्पोर्ट है 1000 और गुड्स का इम्पोर्ट है 1500। ठीक है, तो आपको वैल्यूज दे रखी हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड इन द इकोनॉमी, बताइए जी बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है इकोनॉमी में क्या आएगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड याद है फॉर्मूला, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कितना दे रखा है 4500, और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स कितना दे रखा है 1500। तो कितना आएगा साहब बैलेंस ऑफ ट्रेड, 3000। तो कौशिक का गलत, दिव्यांशी का गलत, भावना का गलत, प्रांजल का गलत, ओ माय गॉड, प्रिया का गलत, 3000 आएगा। बाकी बच्चे पता नहीं क्या कह रहे हैं। सुनीता का गलत, ओ माय गॉड, साहिब का गलत, ओ माय गॉड, आदित्य का भी गलत, ओ गॉड। चलो एट्थ, अब पता नहीं क्यों गलत भेजा, सेवन्थ का तो मुझे समझ ही नहीं आया। उसके बाद एट्थ, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज वाइडर देन बैलेंस ऑफ ट्रेड, बताओ डिफेंड या रिफ्यूट। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक वाइडर है देन बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके ओके, हाँ तो ये तो बच्चे कह रहे हैं सर ये तो बड़ा सिंपल है, इसको क्या पूछ रहे हो आप। हाँ डिफेंड, बिल्कुल, मतलब हम डिफेंड करते हैं इस स्टेटमेंट को कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक वाइडर टर्म है बैलेंस ऑफ ट्रेड से। ठीक है, हाँ तो सब डिफेंड ही भेज रहे हैं। ओके
इसके बाद नाइन्थ, चलो फिर से गलत बताओ, बैलेंस ऑफ इनविजिबल इन द इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स कितना है इकोनॉमी में बताइए बच्चों, गलत। बैलेंस ऑफ इनविजिबल कैसे निकालते हैं, बैलेंस ऑफ इनविजिबल, इनविजिबल का मतलब क्या होता है, सर्विसेज, तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कितनी दे रखी है 2500, और इंपोर्ट ऑफ सर्विस कितनी दे रखी है 1000, तो कितना आएगा 1500, तो बैलेंस ऑफ इनविजिबल 1500। देखें, देखो सोनिया का गलत, वेरी गुड सोनिया नलायक, अपूर्व का भी गलत, FCA शेखर सेठ, अच्छा जी FCA लिख रहे हो और आंसर गलत निकाल रहे हो नलायक, रिया का भी गलत, वेरी गुड, ये देखो ये नलायकों की टोली है, बताओ अब बच्चे ये भी इसमें भी गलती कर रहे हैं, स्मृति का भी गलत, हे प्रभु, तो आंसर आएगा 1500, ठीक है, पता नहीं क्या गलती कर रहे हो भगवान जाने, हाँ 1500 सही। उसके बाद 10th, लास्ट क्वेश्चन, मतलब इसका केस बेस्ड का 10th, इंपोर्ट्स इज इक्वल टू, कह रहा है इंपोर्ट्स इज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स प्लस या माइनस नेट एक्सपोर्ट्स हैं, सर ये क्या कह रहा है, ये तो समझ ही नहीं आया सर, इंपोर्ट्स इज इक्वल्स टू एक्सपोर्ट्स, यहां बीच में आपको प्लस या माइनस का साइन लगाना है, यहां बीच में आपको प्लस या माइनस का साइन लगाना है, तो बताओ कौन सा साइन लगाओगे सर, दो में से एक तुक्का मार देंगे ठीक हो जाएगा, कौन दिमाग लगाए, तो नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला तो पता ही है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इंपोर्ट को इधर ले जाओ नेट एक्सपोर्ट को उधर ले जाओ, तो इंपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस नेट एक्सपोर्ट बन जाएगा, वैसे तो यही वो पूछ रहा है, इंपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस नेट एक्सपोर्ट्स, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ओके सबका सही है, अच्छा सब होशियार है, ठीक है, तो माइनस, तो एक्सपोर्ट माइनस नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है चलो वेरी गुड। तो अब आज का पहला थम्सअप लिया जाए बच्चों से कि 10 नंबर हो गए कंप्लीट, तो मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, यहां तक सब कुछ क्लियर, डन डना डन, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है एक इमेजिनरी कंट्री हमें दे रखी है, ठीक है, और उस इमेजिनरी कंट्री का हमें नॉमिनल जीडीपी दे रखा है 3 वर्षों का, हमें जीडीपी डिफ्लेटर दे रखा है 3 वर्षों का, तो ये नोट कर लेते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है ना, ताकि जब सॉल्व करने को जो कहेगा तो कर लेंगे। तो उसने हमें 3 वर्ष दे रखे हैं, 2014-15, 15-16, 16-17, 2014-15, 15-16, 16-17, और तीनों वर्षों का उसने नॉमिनल जीडीपी दे रखा है 6.5849, 6.5849, ये नॉमिनल जीडीपी दे रखा है, और उसने जीडीपी डिफ्लेटर भी दे रखा है 3 सालों का 100, 140, 125, 100, 140, 125, इसका जीडीपी डिफ्लेटर 100 है इस साल का, इसका मतलब समझे, नहीं सर कुछ नहीं समझे, इसका मतलब ये साल बेस ईयर है, क्योंकि बेस ईयर में ही जीडीपी डिफ्लेटर 100 हो सकता है, इसका मतलब ये बेस ईयर है, अच्छा हाँ सर, तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैं क्वेश्चन लगा रहा हूं अब, ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पे जा रहा हूं, इसके टेबल बना ली, चलो तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है,
अब क्वेश्चन ये कह रहा है साहब, ए पार्ट, फॉर विच ईयर इज रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी सेम एंड वाई? बताओ किस साल का रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी बराबर होता है और क्यों होता है? बताओ, ये नॉमिनल जीडीपी दे रखे हैं आपको, तो किस साल का नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी बराबर होगा, बताइए बच्चों। बता सकते हो? और वाई? ओके ओके ओके, वेरी गुड। बेस ईयर का है ना, बेस ईयर का रियल और नॉमिनल जीडीपी बराबर होता है बच्चों, ठीक है ना? और आप चाहें तो क्रॉस चेक करके भी देख सकते हो। ये फॉर्मूला होता है जीडीपी डिफ्लेटर का। जीडीपी डिफ्लेटर हमें दे रखा है 100, तो अगर मैं इसको 100 पुट कर दूं, और नॉमिनल जीडीपी हमें दे रखा है 6.5, नॉमिनल जीडीपी को 6.5 पुट कर दूं, ठीक है, और इसको सॉल्व करूंगा, तो रियल जीडीपी का आंसर 6.5 ही आएगा, और इसको अगर सॉल्व करूंगा तो रियल जीडीपी का आंसर 6.5 ही आ जाएगा। इसका मतलब बेस ईयर में रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी दोनों बराबर होते हैं ना, क्योंकि तभी बेस ईयर में जीडीपी डिफ्लेटर 100 होता है। ओके ठीक है। सेकंड, कैलकुलेट रियल जीडीपी फॉर द गिवन ईयर। इज देयर एनी ईयर फॉर विच रियल जीडीपी फॉल्स? कह रहा है रियल जीडीपी निकालो सारे साल के, और बताओ किसी वर्ष में रियल जीडीपी में गिरावट हुई है क्या? तो रियल जीडीपी निकाल सकते हो सारे वर्षों के। पहले साल का मैं निकालूंगा, अगले दो आप निकालोगे, ठीक है? पहले साल का मैं निकाल रहा हूं, पहले साल का मैंने निकाल लिया, अब अगले साल के आप निकालोगे, ठीक है? तो अगले 2 वर्षों के रियल जीडीपी निकालिए जी। ठीक है सर, हम निकालते हैं अगले 2 वर्षों के रियल जीडीपी, निकालो। ओके ओके, निकाल लिया। तो दूसरे वर्ष का कितना आएगा, फॉर्मूले में पुट कर सकते हो आप। नॉमिनल जीडीपी आपको दे रखा है 8.4, और जीडीपी डिफ्लेटर दे रखा है 140। इसको सॉल्व करके रियल जीडीपी निकाल लो आप, तो दूसरे साल का कितना आ जाएगा, 6। तो दूसरे साल का तो आ जाएगा रियल जीडीपी, ओहो ये 100 लिख दिया था मैंने, सॉरी, दूसरे साल का आ जाएगा 6, और तीसरे साल का, वेरी गुड, तीसरे साल का भी आप निकाल सकते हो। तीसरे साल का कितना आएगा रियल जीडीपी, 7.2। सही कह रहे हैं बच्चे, 7.2। ठीक है, तो ये तो हो गए तीनों साल के रियल जीडीपी, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि क्या किसी वर्ष रियल जीडीपी में गिरावट हुई? बताओ क्या किसी वर्ष रियल जीडीपी में गिरावट हुई? तो हां हुई, यस गिरावट हुई, गिरावट हुई है। किस ईयर में हुई है सर? 2015-16 में हुई है गिरावट। पहले 6.5 था और फिर 6 हो गई, तो गिरावट हुई है ना? हाँ, 15-16 में डिक्लाइन हुई, तो बस यही लिखना है कि हाँ 15-16 में डिक्लाइन हुई। और कितने प्रतिशत डिक्लाइन हुई बताओ, कितने प्रतिशत गिरावट हुई? पहले आपके 6.5 नंबर आते थे 100 में से, और अब 6 नंबर आए, बताओ कितने प्रतिशत गिरावट हुई? पहले आपके 100 में से 6.5 नंबर आए थे इकोनॉमिक्स में, और फिर इस साल आए 6,
तो कितनी गिरावट हुई? सर कितनी गिरावट हुई, कितने प्रतिशत? पुराना माइनस नया बटे पुराना इंटू 100, तो कितने प्रतिशत गिरावट हुई? ये लो, ये नलायकों की टोली क्या कह रही है। ओके ओके ओके, अच्छा जी, कितने परसेंट गिरावट हुई? ये देखो सब नलायक, 7.69% गिरावट हुई, 7.69% गिरावट हुई। हाँ हर्ष का सही है बस, तो हर्ष और मेरा सही है, बस दो बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास में, एक हर्ष और एक पराग गुप्ता। एक बच्चा नशा करके आया है, वो कह रहा है सर 16-17 में भी तो गिरावट हुई है। ये देखो ये नशे की अवस्था में बैठे हैं, कहाँ गिरावट हुई? 6.5 से 7.2 हो गया, गिरावट कहाँ हुई? ये तो बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, थप्पड़ मारो खींच खींच के गाल पे, खींच खींच के थप्पड़ मारो, पड़ोसी आ जाए आपके घर। चलो ठीक है, तो ये नोट कर लो फिर, ये सब बातें बाद में फिर याद नहीं रहेंगी नहीं तो। तो गिरावट कब हुई? गिरावट हुई 2015-16 में। कितने प्रतिशत गिरावट हुई? 7.69% गिरावट हुई। आप 0.5 भेज रहे थे बच्चों, आप एब्सोल्यूट गिरावट बता रहे हो, समझ रहे हो? आपने तो खाली एब्सोल्यूट गिरावट बता दी कि जी 0.5, बस 0.5, मैं प्रतिशत में पूछ रहा हूं। हाँ बताओ, एक बच्चा कह रहा है भाई नशा क्यों करके आया है। वेरी गुड, ठीक है चलो, तो इसमें तो फेल हो गए, बेकार, फेल इस क्वेश्चन में बच्चे, फेल। चलो अब क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, आओ जी क्वेश्चन 12 पढ़ें। सपोज द एक्सचेंज रेट बिटवीन द रूपी एंड द डॉलर वॉज ₹30 इज इक्वल टू $1 इन द ईयर 2010। अच्छा कह रहा है 2010 में मान लेते हैं कि ₹30 का $1 आता था। अरे वाह। सपोज द प्राइजेस हैव डबल्ड इन इंडिया ओवर 20 ईयर्स। कह रहा है मान लेते हैं प्राइजेस जो हैं वो डबल हो गए इंडिया में, वाइल दे रिमेन फिक्स्ड इन द यूएस। यूएस में चलो वो फिक्स ही हैं, तो इंडिया में प्राइजेस डबल हो गए 20 साल में, तो इंडिया में प्राइजेस डबल हो गए बच्चों। ओ तो 2030 में अब $1 हो गया ₹60 का, तो वो ये कह रहा है वॉट अकॉर्डिंग टू द परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी विल बी द एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर एंड रुपी इन द ईयर 2030। चलो हाँ, तो बस सिंपल, तो भाई कितना सिंपल क्वेश्चन है। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी क्या है? परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी यही है कि किसी भी चीज को खरीदने के लिए पहले ₹30 लगते थे अगर, और वो ये कह रहा है कि अब हमारे देश में, तो हम तो अपने देश के हिसाब से देखेंगे, हमारे देश में रेट डबल हो गया, तो अब हमें वही सेम चीज खरीदने के लिए, भाई मान लो डॉलर की जगह पहले पेन समझ लो, ऐसा पेन का एग्जाम्पल ले लो कि आज से 20 साल पहले एक पेन आता था, और मैं ये कह रहा हूं कि अब उसी पेन का रेट डबल हो गया है, तो आप सिंपल सिंपल क्या बोलोगे? ये बोलोगे, इसी को बोलते हैं
परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, मतलब आपकी खरीदने की क्षमता जो है वो, तो पहले एक पेन आप 30 रुपए में खरीदते थे, अब आपकी क्षमता क्या है, भाई एक पेन खरीदने के लिए 60 रुपए देने पड़ेंगे, रेट डबल हो गए। तो बस वो यही पूछ रहा है कि बताओ 2030 में क्या रेट होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। तो इसे कहते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। बस ये पूछ रहा है, बाकी इसके प्रभाव नहीं पूछ रहा। कई बच्चे लग गए अपना ज्ञान पेलने में, एक्सपोर्ट इंक्रीज इंपोर्ट डिक्रीज, वो पूछ ही नहीं रहा, बस खत्म। बस यही है इसमें आंसर, यही है छोटू क्वेश्चन। तो वो यही पूछ रहा है, व्हाट विल बी द एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर एंड रुपी इन द ईयर 2030। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, चलो इसका चॉइस वाला भी देख लेते हैं बाय चांस। डीवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी आर वन एंड द सेम थिंग, डू यू एग्री? हाउ डू दे इफेक्ट द एक्सपोर्ट ऑफ ए कंट्री? चलो हाँ ये है अच्छा क्वेश्चन। तो बताओ डेप्रिसिएशन और डिवेल्युएशन एक ही बात है, क्या आप सहमत हो? पहले तो ये बताओ क्या आप सहमत हो? ओके ओके, वेरी गुड। तो पहले तो आप लिखोगे कि नो, मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि डीवैल्यूएशन जो होता है वो तो गवर्नमेंट करती है डेलिब्रेटली फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में, जबकि डेप्रिसिएशन अपने आप हो जाता है मार्केट फोर्सेस की मदद से फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर। तो दोनों जो हैं वो अलग-अलग हैं, दोनों सेम नहीं हैं। ठीक है, अब ये बताओ लेकिन दोनों का प्रभाव क्या पड़ेगा एक्सपोर्ट्स पर, देश के एक्सपोर्ट्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोनों का? वेरी गुड, सही भेज रहे हैं बच्चे को। ओके ओके, तो दोनों से क्या होंगे एक्सपोर्ट्स? दोनों से हमारे देश के एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही केसेस की वजह से डोमेस्टिक गुड्स क्या हो जाते हैं, चीपर हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं। तो डोमेस्टिक गुड्स चीप हो गए तो इसीलिए इंपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे। वेरी गुड, तो सब बच्चों का सही। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ओके ओके, वेरी गुड, सही, ठीक है ना। चलो तो ये भी हो गया बढ़िया क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? टू बूस्ट द फॉलिंग डिमांड इन इकोनॉमी द आरबीआई रिसेंटली रिड्यूस्ड द रेपो रेट। ठीक है, कह रहा है कि डिमांड जो घट रही थी देश में उसे बढ़ावा देने के लिए, उसे बूस्ट करने के लिए दादाजी ने अभी अभी रेपो रेट कम कर दिया है। ओ, रेपो रेट कम कर दिया है। इलेबोरेट द रैशनल बिहाइंड द स्टेप्स टेकन बाय दादाजी। कह रहा है कि बताओ दादाजी का उद्देश्य क्या था, अच्छे से समझाओ, 4 नंबर। चलो तो इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो आपको एग्जाम में जब इसका आंसर लिखना है, 4 नंबर का आंसर है, ध्यान रखना, कोई हवाबाजी नहीं चलेगी। पहले रेपो रेट समझाना पड़ेगा, ठीक है? पहले रेपो रेट क्या करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा एग्जामिनर को कि रेपो रेट क्या होता है। तो वो तो समझा ही दोगे कि ये है कमर्शियल बैंक, ये है दादाजी, कमर्शियल बैंक दादाजी से लेता है लोन, बदले में दादाजी को देता है ब्याज, और इस ब्याज को हम कहते हैं रेपो रेट। ठीक है, तो ये समझा दोगे पहले, तो ये तो हो गई एक कहानी। फिर आप बताओगे, हेडिंग डालोगे रैशनेल, मतलब उद्देश्य क्या था,
ऑफ आरबीआई, दादाजी का बिहाइंड किसके पीछे, डिक्रीज इन रेपो रेट, रेपो रेट को कम करने के पीछे दादाजी का क्या उद्देश्य था वो समझाओगे? ठीक है सर, तो वो कैसे समझाएंगे सर, क्या क्या बनाना बताना पड़ेगा? तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जब दादाजी रेपो रेट कम करते हैं तो ऐसे में जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो दादाजी से ज्यादा लोन लेने के लिए एनकरेज हो जाते हैं, वो दादाजी से लोन क्या करेंगे, ज्यादा लेंगे, ज्यादा लोन लेंगे आरबीआई से, है ना, इंटरेस्ट क्योंकि कम हो गया, अब इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक को सस्ता हो गया, पहले 10 था अभी मान लो 2 हो गया, तो अब कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन ले सकता है दादाजी से, और जब कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन लेगा दादाजी से तो इसकी कमर्शियल बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई, अब इसके पास ज्यादा पैसे हैं, बोलो हां, तो कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसे होंगे, है ना, और जब कमर्शियल बैंकों के पास ज्यादा पैसे होंगे तो वो पब्लिक को भी ज्यादा लेंड कर पाएंगे, और जब वो पब्लिक को ज्यादा पैसे दे पाएंगे या देंगे तो इससे धीरे 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 इकोनॉमी में जो डिमांड है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसे आने शुरू हो गए, तो धीरे धीरे इकोनॉमी में डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी, जो दादाजी का रैशनेल था। ओके, तो इसका थम्स अप जरूर भेजो कि 4 नंबर समझ गए कैसे मिलेंगे, क्या क्या कहानियां लिखनी है। यस, ओके ओके, हाँ बिल्कुल सही, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और इससे इंक्रीज इन डिमांड हो जाएगा, वेरी गुड, हाँ ठीक है, ठीक है जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, क्लियर है ना। तो एग्जाम में प्रेजेंटेशन का थोड़ा ध्यान रखना, कैसे करना है, पहले रेपो रेट समझाओगे, फिर ये हेडिंग डाल के इसको समझाओगे, ठीक है, लास्ट में और अच्छा करना हो और आंसर ऐसा करना हो कि पूरे भारत में किसी ने ना लिखा हो तो लास्ट में फिर कॉन्क्लूजन चिपका देना, कॉन्क्लूजन में क्वेश्चन वाली लाइन को ही रिपीट मार देना कि इसीलिए दादाजी ने रेपो रेट कम करा था ताकि डिमांड बढ़े। ओके चलो ठीक है, तो ये भी हो गए 4 नंबर पक्के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 14 में क्या कह रहा है, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंटे एडी। अब ये एक्स एंटे सिर्फ डराने के लिए देता है, इसका कोई काम कुछ नहीं है एक्स एंटे का, मतलब सिंपल भाषा में एडी निकालना है। व्हेन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 50 करोड़ ईच। अच्छा, कह रहा है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट यानी कि आई और ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि सी बार इज 50 करोड़ ईच, लिख लेते हैं नहीं तो भूल जाएंगे। कह रहा है कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट भी 50 करोड़ है और ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी 50 करोड़ है, ठीक है। एमपीएस इज 0.2 एंड लेवल ऑफ इनकम इज 300 करोड़। कह रहा है एमपीएस 0.2 है, ठीक है, और इनकम लेवल 300 करोड़ है, ठीक है। कह रहा है एडी निकालो, चलो एडी निकाल सकते हो आप, हाँ डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं एग्जाम में उसका, दादाजी वाला। तो एडी होता है सी प्लस आई, सी होता है सी बार प्लस बी वाई, सी बार की वैल्यू है 50, बी की वैल्यू है 0.8, वाई की वैल्यू है 300 और आई की वैल्यू तो 50 है ही,
तो बताओ एडी कितना आएगा, एडी कितना आएगा साहब, एडी आएगा कितना आएगा। ओके वेरी गुड, तो एडी आएगा 340 करोड़। ओके ओके, तो एडी आएगा 340 करोड़, सी प्लस आई। चलो ठीक है जी, हाँ फर्स्ट का, फर्स्ट चॉइस का 340 करोड़, ठीक है ना। इसके बाद चॉइस, अगर आपको चॉइस का क्वेश्चन करना होता तो चॉइस का क्वेश्चन है कैलकुलेट मल्टीप्लायर, कह रहा है मल्टीप्लायर बताओ व्हेन एमपीसी इज 0.4/5 एंड 1/2, मतलब दो अलग अलग कैलकुलेशंस बतानी है। कह रहा है एक बार एमपीसी 4/5 है और एक बार एमपीसी 1/2 है, ठीक है, तो निकाल सकते हो मल्टीप्लायर, पहले मल्टीप्लायर निकालें। हाँ सर, पहले मल्टीप्लायर निकाल लेते हैं, क्या फॉर्मूला होता है मल्टीप्लायर का, 1/1 - MPC, ये फॉर्मूला होता है। तो एक बार एमपीसी आपको कितना दे रखा है, एक बार आपको दे रखा है 4/5 और दूसरी बार में कितना दे रखा है, दूसरी बार में दे रखा है 1/2, तो कर सकते हो सॉल्व कितना कितना आ रहा है। फर्स्ट में बच्चे कह रहे हैं 5 टाइम्स, ओके तो फर्स्ट में आ रहा है 5 टाइम्स, ठीक है, और सेकंड में, सेकंड में कितना आ रहा है, सेकंड में बच्चे कह रहे हैं 2 टाइम्स, ओके ठीक है, तो वेरी गुड। तो ये तो हो गया मल्टीप्लायर। फिर वो पूछ रहा है एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी, कह रहे जो आपने वैल्यूज निकाली उसके आधार पे, उसके आधार पर बताओ क्या रिलेशन है उसके आधार पर। तो बच्चों हमें जो वैल्यूज हमने निकाली उसके आधार पे बताना है। तो पहले एमपीसी था 0.4/5, 4/5 को मैं 0.8 लिख रहा हूं, तो उस समय के आया 5। फिर दूसरा वैल्यू था एमपीसी का 1/2, 1/2 को मैं 0.5 लिख रहा हूं, तो एमपीसी 0.5 आया तो के आया 2, यही वैल्यूज आई। तो कह रहे इन वैल्यूज के आधार पे बताओ कि क्या रिलेशन है, तो आप क्या लिखोगे इन वैल्यूज के आधार पे, कि साहब जब एमपीसी की वैल्यू कम हुई 0.8 से 0.5 हुई तो हमारे मल्टीप्लायर की वैल्यू भी कम हो गई, वो भी 5 से 2 हो गई, तो एमपीसी की वैल्यू भी कम हुई और मल्टीप्लायर की वैल्यू भी कम हुई, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन है, इन दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन है। बच्चे भी ये भेज रहे हैं। और डायरेक्ट रिलेशन का चित्र कैसे बनता है बताओ, डायरेक्ट रिलेशन का चित्र कैसे बनता है, एक तरफ लिख लो एमपीसी, एक तरफ लिख लो मल्टीप्लायर, डायरेक्ट रिलेशन को पॉजिटिवली स्लोप कर्व से दिखा दो, बस ये बन गया, उल्टा कर दो एरो, ये कम हुआ तो ये भी कम हो गया बस। और ज्यादा चीता बना करना हो तो ये वैल्यूज भी मार्क करके दिखा दो कि देखो एमपीसी 0.8 था तो वो 5 था, एमपीसी 0.5 हुआ तो ये 2 हो गया। तो गिवन वैल्यूज से हमने रिश्ता साबित कर दिया एमपीसी और के का। तो 4 नंबर ये भी पक्के,
विद सॉल्यूशन, विद शेड्यूल, विद कहानी एंड विद डायग्राम। चलो तो इसका भेजो अब थम्स अप कि ये भी फुल टू क्लियर, नो टेंशन, इसके नंबर पक्के। ओके 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 ठीक है, समझ आ गया ना। हाँ वेरी गुड। उसके बाद देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या कह रहा है। ठीक है नंबर पक्के, ओके। क्वेश्चन नंबर 15, एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट एन इकोनॉमी कैलकुलेट ऑटोनॉमस कंजम्पशन। कह रहा है कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन निकालो, इस क्वेश्चन में कह रहा है ऑटोनॉमस कंजम्पशन निकालो। क्या क्या गिवन है? इनकम दे रखी है 5,000, ठीक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दे रखा है 0.2, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है 800, ठीक है। कह रहा है इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है जी। तो लिख लें पहले, तो इनकम दे रखी है 5,000, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दे रखा है 0.2 और इन्वेस्टमेंट दे रखी है 800। तो कैसे करेंगे साहब? आप लिखोगे एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर वाई बराबर होता है सी प्लस आई के, ठीक है। वाई बराबर होता है सी प्लस आई के, सी का फॉर्मूला है सी बार प्लस बी वाई। बस अब वैल्यूज पुट कर दो, वाई की वैल्यू पुट कर दो 5,000, सी बार तो निकालना है, बी की वैल्यू पुट कर दो 0.8, वाई 5,000 और आई की वैल्यू 800। तो एक गणित बन गई। हाँ सर एक गणित बन गई, 5,000 प्लस सी बार प्लस 4,000 प्लस 800। तो बताओ सी बार कितना आएगा? ओके रोहन कह रहा है क्या बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है वेरी गुड। क्योंकि आंसर सही आ गया इसलिए बढ़िया लग रहा है रोहन को। तो 200 करोड़, सही। तो सी बार का आंसर आ गया जी 200 करोड़, ठीक है ना, सही, वेरी गुड। ओके 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 200 करोड़, ठीक है, सही, सबका सही, वेरी गुड। चलो ठीक है, तो दिल भेज दूं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलो ठीक है जी, तो ये भी हो गया। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। एक और छुटकू सा क्वेश्चन यही दिख रहा है, क्वेश्चन 16, 3 + 3, ये मतलब छोटे थ्योरी क्वेश्चन है। डिफाइन एनएनपी एमपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एमपी। और दूसरा कह रहा है जीएनपी एफसी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। एक बच्चे ने कहा कि सर करोड़ क्यों लगाया, ठीक है। वैसे इस सवाल में दिया नहीं था, लेकिन आमतौर पे जैसे दिया होता है करोड़, तो हम करोड़ लगा देते हैं। तो पिछले वाले में दिया नहीं था करोड़, तो हटा देते हैं करोड़, बस 200। तो क्वेश्चन में दिया हो करोड़ करोड़ करोड़, तो करोड़ लगा दो, नहीं दिया तो नहीं लगाएंगे, ठीक है जी। चलो तो डिफाइन एनएनपी एमपी, तो एनएनपी एमपी डिफाइन कर सकते हो आप, क्या होता है एनएनपी एमपी? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बस इसको डिस्क्राइब करना है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो इसमें बस आप फोकस करने का
नेशनल प्रोडक्ट पर। तो नेशनल प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि सारे गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू जो हमारे रेसिडेंट्स ने बनाई, उसी को तो नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं ना, जो किसने बनाई, हमारे रेसिडेंट्स ने बनाई। तो सारे गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू जो हमारे रेसिडेंट्स ने बनाई, उनकी कौन सी वैल्यू? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, ठीक है ना। और फिर आप इसका एक कोई भी फॉर्मूला भी बता सकते हो कि हम डोमेस्टिक इनकम से इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एनडीबीएफसी प्लस एनएफआईए प्लस एनआईटी इज इक्वल टू एनएनपीएमपी। बस ये बताना होता है, छोटा सा, ठीक है ना। हाँ, या फिर जीएनपीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन, ये बताना हो सकता है। कोई भी फॉर्मूला आप बता सकते हो। इसी तरह जीएनपीएफसी, अब इसमें भी मेन टर्म है नेशनल प्रोडक्ट। तो शुरू की कहानी तो सेम, कि ये भी, ये क्या बताता है? ये ग्रॉस वैल्यू बताता है, क्योंकि शुरू में जी लिखा है। ये ग्रॉस वैल्यू बताता है गुड्स और सर्विसेज की जो हमारे रेसिडेंट्स ने बनाए, और एट फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब इस बार आप बोलोगे कि उनकी कौन सी वैल्यू? सिर्फ फैक्टर कॉस्ट, जिसमें हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लेंगे। और फिर आप इसमें भी फॉर्मूले से बता सकते हो कि हम जीएनपीएफसी को डोमेस्टिक इनकम से या नेशनल इनकम से कैसे निकाल सकते हैं। एनडीपीएफसी यानी डोमेस्टिक इनकम प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए, ठीक है ना। तो बस ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए। उसके बाद चॉइस का क्वेश्चन, उसमें क्या कह रहा है आइए देखते हैं। तो चॉइस के क्वेश्चन में पहला ए पार्ट में तो है डिफाइन एक्सटर्नलिटी, कह रहा है एक्सटर्नलिटी बताओ। तो एक्सटर्नलिटी याद है क्या होती है? एक्सटर्नलिटी, एक्सटर्नलिटी होती है कि या तो कोई पॉजिटिव इंपैक्ट या कोई पॉजिटिव एक्टिविटी जिसका हमें फायदा तो मिलता है, जिसका हमें बेनिफिट तो मिलता है, हम खुश तो होते हैं, वेलफेयर तो होता है, पर उसको हम जीडीपी में काउंट नहीं करते। और दूसरी एक्सटर्नलिटी कोई नेगेटिव इंपैक्ट हो सकती है। वो क्या होती है नेगेटिव इंपैक्ट या नेगेटिव एक्सटर्नलिटी? कि जो हम जीडीपी को बनाने में, जो हम प्रोडक्शन करने में या जीडीपी को बढ़ाने में अपने सोसाइटी को कुछ नुकसान पहुंचा देते हैं, किस प्रकार से? पॉल्यूशन करके। तो जिसका बुरा प्रभाव तो पड़ता है सोसाइटी पर, जिससे वेलफेयर में तो कमी आती है, लेकिन जीडीपी में हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते, जीडीपी तो बढ़ रहा है बस। तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी भी हो सकती है। तो इन्हें बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज, पॉजिटिव वाली भी या नेगेटिव वाली भी। बच्चे क्या भेज रहे हैं? हाँ, पॉजिटिव में पब्लिक पार्क भी आ सकते हैं, बिल्कुल। नेगेटिव में एयर पॉल्यूशन आ गया, बिल्कुल सही। ये देखो सोनिया जी क्या भेज रही हैं, पॉजिटिव में एयर पॉल्यूशन, नेगेटिव में प्लांटेशन, उल्टा, कि पेड़ पौधे लगाओगे तो नेगेटिव और वायु प्रदूषित करोगे तो पॉजिटिव। चलो खैर, ठीक है ना। तो ये तो छोटा सा 3 नंबरी क्वेश्चन था। उसके बाद बी, बी क्वेश्चन जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं दिख रहा, तो पहले इतना देख लेते हैं। बी में लिखा है फाइंड नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, हमको एक्सपेंडिचर मेथड का इस्तेमाल करके नेशनल इनकम निकालनी है। तो पहले एक्सपेंडिचर मेथड का यहीं तक देखते हैं, क्या क्या कंपोनेंट यूज होते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में, क्या क्या यूज करते हैं हम। एक तो नेट एक्सपोर्ट करते हैं, एक करते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, और एक हम नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखी है। लेकिन क्योंकि ये नेट दे रखी है तो हमें तो ग्रॉस चाहिए होती है, तो हम इसमें डेप्रिसिएशन भी जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल तो ये 3 टर्म्स हमारे यूज की हैं, -25, 900 और 200। तो ये लिख लूं पहले,
-25, 900 और 200। -25, 900 और 200, पहले इतनी लिख ली, ठीक है, जो इस पेज से काम की आ रही है, नेट एक्सपोर्ट, पीएफसीई और एनडीसीएफ लिख लिया, लेकिन अभी उसमें डेप्रिसिएशन भी हमको जोड़ना वैसे पड़ेगा। अच्छा, अब आगे का सवाल लगा देते हैं। बचा हुआ सवाल ये रहा, तो बचे हुए सवाल में देखते हैं अब और क्या दे रखा है। और हमें दे रखा है जीएफसी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 400, तो इसे और जोड़ लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी जुड़ता है, तो इसे भी जोड़ लेते हैं। और डेप्रिसिएशन तो दिया ही नहीं है बच्चों। सर डेप्रिसिएशन नहीं दिया तो कोई नहीं, छोड़ दो फिर, हम नहीं दिया तो नहीं दिया, बाकी जोड़ लेते हैं। तो इसको जोड़ के कितना आएगा जीडीपी एमपी, 1475। लेकिन निकालना क्या है हमें, नेशनल इनकम, एनएनपीएफसी। तो जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है जी, तो जीडीपी एमपी तो 1475 है ही, डेप्रिसिएशन जीरो है ही, एनएफआईए कितना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमको दे रखा है -10, -10 माइनस एनआईटी कितना दे रखा था, वो मैंने सवाल में देख लेता हूं, एनआईटी दे रखा था 100। तो ये सॉल्व करो बच्चों क्या आ रहा है। ओके 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 ठीक है, 1365। अब अगर करोड़ दे रखा था तो करोड़ लगा देंगे, वैसे दे रखा था रुपीन करोड़ था, तो 1365 करोड़। तो ये आ गई नेशनल इनकम, बच्चों की भी सही मेरी भी सही। ओके ओके ठीक है, चलो सही। सारिका, प्रांजल, ममतेश, दिव्या, दिव्यांशी, साक्षी, तमता, ठीक है, चलो ठीक है, वेरी गुड। ओके ओके ठीक है, चलो तो ये भी हो गया। और लास्ट क्वेश्चन फिर मैक्रो फिनिश, 40 नंबर पक्के, बल्कि 50 ही पक्के, चॉइस के भी कर लिए हमने। तो अब देखते हैं, एक्सप्लेन रेवेन्यू डेफिसिट इन गवर्नमेंट बजट, व्हाट डज इट इंडिकेट। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम का, कह रहा है रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, तो आप लिखोगे इट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है ना, तो ये तो सबको पता ही है। फिर वो पूछ रहा है कि रेवेन्यू डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, तो इम्प्लीकेशन में आप कोई भी तीन इम्प्लीकेशन लिख सकते हो, ठीक है ना, क्या क्या तीन इम्प्लीकेशन लिख सकते हैं बताओ, कि रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है कि सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो एनएफ रेवेन्यू नहीं कमा पा रही अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग से, मतलब डे टू डे फंक्शनिंग से सरकार की इनकम ज्यादा नहीं हो पा रही है। दूसरा ये लिख सकते हो कि इससे कहीं ना कहीं हो सकता है गवर्नमेंट को बोरो करना पड़े, या हो सकता है गवर्नमेंट अपने एसेट्स बेचने पर मजबूर हो जाए। ये लिख सकते हो कि ज्यादा रेवेन्यू डेफिसिट होने से कहीं ना कहीं इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स पड़ेंगे। ये लिख सकते हो कि रेवेन्यू डेफिसिट अगर होगा ज्यादा तो फ्यूचर जनरेशन पर भी बर्डन पड़ेगा इस बात का, बस
तो चार पॉइंट कोई भी मनपसंद लिख सकते हो। हाँ बच्चों ने भी यही भेजा। ओके ठीक है ना। तो बस ये आपका 3 नंबर हो जाएगा। और बी में पूछ रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट इन ए गवर्नमेंट बजट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट के बीच में कह रहा है डिफरेंस बताओ। तो 3 नंबर में 3 डिफरेंस आप बता सकते हो। इसकी परिभाषा, जिनसे लायबिलिटी बढ़े एसेट कम हो ऐसा नहीं होना चाहिए, और इनकी परिभाषा, जिनसे लायबिलिटी बढ़े या एसेट कम हो जाए। दूसरा, ये रिकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार होते रहेंगे। ये नॉन रिकरिंग नेचर के होंगे, कभी कभार होंगे। ये आमतौर पर शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, या इनकी अवधि, इनका बेनिफिट छोटी अवधि के लिए रहता है। इनका बेनिफिट या ये आमतौर पर लंबी अवधि के लिए रहते हैं। इसके कुछ उदाहरण दे दो, जैसे टैक्स रेवेन्यू, एस चीट एटसेट्रा, कुछ इसके एग्जाम्पल दे दो। बोरोइंग, पीएफ रिसिप्ट्स, डिस इन्वेस्टमेंट। बस ये हो गया 3 नंबर। छोटी और मोटी रिसिप्ट्स, बिल्कुल सही सारी का। हाँ ये छोटी वो मोटी। चलो जी, तो ये हो गया माइक्रो, खत्म पूरा का पूरा। तो अब पहले इसका थम्सअप लें कि 40 नंबर का मैक्रो पूरा फिनिश, कोई इसमें दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है, तो 40 नंबर का पूरा मैक्रो फिनिश हो गया, भेजो थम्सअप। ओके, एक बच्चा कह रहा है कि सर एस चीट रोज नहीं होती तो रेवेन्यू क्यों? एस चीट रोज हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उसका नेचर कैसा है? उसका नेचर है रोजमर्रा का, डेली नेचर का, छोटा बेनिफिट। ठीक है हरित? ओके ओके ठीक है जी। तो सबका क्लियर हो गया, चलो बढ़िया। अब इंडियन इकोनॉमी भी डिस्कस कर लेते हैं, आपका फेवरेट। इंडियन इकोनॉमी में क्या है? आइए जी, क्वेश्चन नंबर 18 से कहानी शुरू करेंगे। अब इसमें क्या कह रहा है, द मोटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट बिहाइंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज। पढ़ा था ना, ब्रिटिशर्स ने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करा था, मतलब हमारी इंडस्ट्रियों को खत्म कर दिया था। उसका मोटिव क्या था बच्चों? उसका मोटिव क्या था? उसका मोटिव क्या था? टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट। क्या हम रॉ मटेरियल ले लें इंडिया से चीप रेट पर? हाँ ये तो था वैसे। टू सेल ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन इंडियन मार्केट एट हाई प्राइस। अपना सामान भारत में हाई प्राइस पे भेजे। हाँ ये भी था। टू फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ना ना ये तो था ही नहीं। टू गेट फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट। नहीं ये भी नहीं था। तो क्या था ऑब्जेक्टिव? 1 एंड 2। ओके सही। तो 1 एंड 2 यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन सेटअप? प्लानिंग कमीशन कब स्थापित हुआ? प्लानिंग कमीशन, ओके वेरी गुड, 1950 में स्थापित हुआ। सही जवाब, वेरी गुड।
सही, साक्षी ने सही बताया, मुस्कान सही। ठीक है चलो, उसके बाद अब है नए वैरायटी के रीजन एसर्शन क्वेश्चंस। याद है रीजन एसर्शन में क्या बताया था? एक स्टेटमेंट होगी, एक उसका रीजन देने की कोशिश करी गई होगी। अगर आपको लगता है दोनों बातें सही हैं तो ए, अगर आपको लगता है एसर्शन सही है और रीजन सही है लेकिन रीजन जो है वो उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी, अगर आपको लगता है असर्शन तो सही है रीजन गलत है तो सी, अगर आपको लगता है असर्शन भी गलत है और लेकिन रीजन सही है तो डी। चलो तो पहले एक बार पढ़ते हैं क्या है। इवन आफ्टर सो मच प्लानिंग, इतनी प्लानिंग करने के बाद, वी हैव फेल्ड टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशनरी स्पायरल इन द कंट्री बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान, रियल इनकम ऑफ द पीपल हैज टेंड टू इरोडेड। कह रहे बहुत कोशिश करने के बाद भी महंगाई जो है वो हमारे देश में कम नहीं हुई, जिसकी वजह से लोगों की रियल इनकम जो है वो भी मतलब कम रही या प्रभावित रही। तो ये बात तो सही कह रहा है। रीजन कह रहा है द इकोनॉमिक डिवाइड बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स हैज टेंडेड टू डिक्लाइन। अच्छा तो ये रीजन तो कुछ और ही अजीब सी बात कह रहा है, ये तो गलत है। कह रहा है इकोनॉमिक डिवाइड जो है बिटवीन हैव्स, हैव्स मतलब जो होना चाहिए, और हैव नॉट्स जो नहीं होना चाहिए, हैज टेंडेड टू डिक्लाइन, नहीं बल्कि ये कम कहां हो रहा है, तो और बढ़ रहा है, ये तो उल्टा बढ़ रहा है। बहुत से लोग कहते हैं ये होना चाहिए, बहुत से लोग कह रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, तो इकोनॉमिक डिवाइड होने या ना होने के बीच तो उल्टा बढ़ रहा है। इट इज नॉट टेंड टू डिक्लाइन, गलत बात है, ये तो गलत ही कह रहा है। एसर्शन तो सही है लेकिन रीजन का स्टेटमेंट गलत है, तो क्या बनेगी बात ऑप्शन के हिसाब से, कि असर्शन इज ट्रू रीजन इज गलत, तो ऑप्शन नंबर सी। ओके ओके, बच्चों का भी सही, वेरी गुड। ठीक है ठीक है, तो रीजन एक बार फिर से बता देता हूं कि रीजन का हिंदी में अर्थ ये है, इकोनॉमिक डिवाइड, डिवाइड मतलब दो लोगों के बीच समझ लो, दो लोगों में कुछ अंतर, बिटवीन हैव्स, हैव्स मतलब जो होना चाहिए, एंड हैव नॉट्स मतलब जो नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं आपको पढ़ना चाहिए, आप कहते हो नहीं पढ़ना चाहिए, तो आपका और मेरे बीच में जो डिवाइड है इस बात को लेकर या लोगों के बीच में, हैज टेंडेड टू डिक्लाइन, ये कम हुआ है, ये कह रहा है कि मतलब मेरी राय और आपकी राय में जो डिफरेंस है वो कम हुआ है, नहीं ये तो बढ़ा है। मैं सालों से कह रहा हूं पढ़ना चाहिए, बच्चे सालों से कह रहे नहीं पढ़ेंगे हम, तो हमारा और आपका डिफरेंस बल्कि बढ़ रहा है इस बात को लेकर, ठीक है ये कहना चाह रहा है। और ममतेश कह रहे हैं सर हाउ यू नो कि असर्शन इज राइट, मैंने किताब में पढ़ा था ये कि प्लानिंग का फेलियर क्या था, कि हम इन्फ्लेशन को रोक नहीं पाए थे, और यही वो कह रहा है कि इवन आफ्टर सो मच प्लानिंग वी हैव फेल्ड टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, और ज्यादा इन्फ्लेशन की वजह से लोगों की रियल इनकम भी इरोड हुई है। ठीक है ममतेश, हाँ, बेस्ट एग्जाम्पल ना बस। ओके चलो, अब चॉइस वाला इस बार फिर से बताओ। असर्शन, असर्शन कह रहा है द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम 68.3 ईयर्स इन 1951 टू 32 ईयर्स इन 2015। ओ माय गॉड, कह रहा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हुई है, 1951 में 68 साल थी और अब 2015 में सिर्फ 32 साल रह गई है, तो ये तो गलत है ममतेश बाबू, फिर मत कह देना कि सर आपको, हाउ डू यू नो, आई नो, तो एसर्शन तो गलत है। उसके बाद रीजन पढ़ो, रीजन कह रहा है डेथ रेट हैज कम डाउन टू 6.4% पर 1000 इन 2016 फ्रॉम 24%
पर 24 पर 1000 इन 1951। तो ये रीजन जो कह रहा है ये भी गलत ही कह रहा है। कह रहा है डेथ रेट कम हो गया है बहुत 2016 में ये और 1951 में ये, तो ये कोई इसका रीजन ही नहीं है, क्योंकि ना तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हुई है पहली बात, तो ये रीजन भी गलत ही है। तो क्या होगा सही ऑप्शन? वेरी गुड, तो सही ऑप्शन होगा डी, असर्शन भी गलत और रीजन भी गलत, ठीक है ना? चलो ठीक है, वेरी गुड, बच्चों का भी सही। ओके चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो जी नेक्स्ट करेंगे अब 21। चलो इसमें भी एक और असर्शन पढ़ते हैं पहले, फिर बताना। वी फाइंड हैवी रिलायंस ऑफ कल्टीवेटर्स ऑन कैटल पावर एंड मैन पावर, कॉन्सिक्वेंटली प्रोडक्टिविटी रिमेन्स लो ड्यू टू लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। ठीक है, तो ये तो बात सही है, ये तो हमने पढ़ी रखा है कि भाई हम मॉडर्न टेक्निक्स को फॉलो नहीं करते थे ज्यादा, मैन पावर या कैटल पावर ज्यादा यूज करते थे, इसलिए प्रोडक्टिविटी लो रहती थी। और रीजन क्या है मैन पावर यूज ज्यादा करने का, मॉडर्न इनपुट्स यूज ना करने का? एज फार्म साइज इन इंडिया आर स्मॉल एंड द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन इज पुअर, यूज ऑफ द बैकवर्ड टेक्नोलॉजी रिमेन्स ए कंपल्शन। अब क्योंकि लोगों के पास जगह कम है, किसान गरीब है, तो इस वजह से वो मशीनें या मॉडर्न इनपुट्स नहीं खरीद पाता था। तो ये भी सही है, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी उसका सही है। हाँ तो बस जब दोनों चीजें सही हैं तो इसीलिए ए। तो रीजन सही, असर्शन सही, और असर्शन जो है मतलब रीजन जो है वो उसी का सही रीजन भी है असर्शन का, ठीक है। हाँ तो बच्चों ने भी ए भेज रखा है। ओके ओके ठीक है ठीक है, चलो वेरी गुड। इसके बाद मैच द फॉलोइंग, चलो मैच द फॉलोइंग बताओगे? कॉम्यून सिस्टम, तो कॉम्यून सिस्टम कॉम्यून सिस्टम कॉम्यून सिस्टम बड़ा सिंपल है, मतलब कि कलेक्टिव कल्टीवेशन। उसके बाद एलपीजी ग्रोथ मॉडल, एलपीजी ग्रोथ मॉडल कब आया था? एलपीजी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। हाँ ए सही। उसके बाद ग्रेट लीप फॉरवर्ड जीएलएफ, जीएलएफ में क्या हुआ था चाइना में? जीएलएफ में क्या हुआ था, क्या हुआ था? लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। और उसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एसईजेड्स, एसईजेड्स क्यों बनाते हैं हम? ताकि हम एफडीआई को अट्रैक्ट कर सकें उन्हें ज्यादा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी देकर। चलो तो ये तो सिंपल था, ठीक है, बच्चे भी सही भेज रहे हैं। ओके ठीक है। उसके बाद 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ए क्यूरेटिव मेडिसिन, बताओ जी। क्यूरेटिव मेडिसिन, वैक्सीनेशन, मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस, स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी। ओके ओके वेरी गुड, मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस, राइट। ओके ओके हाँ नहीं, ट्विंकल ट्विंकल का गलत, स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी थोड़ी ना होगा भाई। हेल्थ लिटरेसी मतलब लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं, तो
इट इज नॉट क्यूरेटिव मेडिसिन। चलो ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब है इसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चन, एक और कहानी है। रीड द फॉलोइंग केस स्टडी केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 24 से 27। ठीक है, तो पहले कहानी पढ़ते हैं, ध्यान से आओ। इट इज द ईयर 1936, 1936 की कहानी है बच्चों। राम इज मेकिंग ब्यूटीफुल हैंडमेड आइटम फॉर होम डेकोरेशन। राम जो है अपने हाथों से अच्छे खूबसूरत की चीजें बना रहा है। बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज इम्पोज स्ट्रिक्ट लॉज ड्यू टू विच राम इज नॉट बींग एबल टू सेल हिज गुड्स। लेकिन ब्रिटिशर्स ने ऐसे नियम बना दिए कि राम अपना सामान नहीं बेच पा रहा इन द डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू दिस पैसेज। क्यूरेटिव का मतलब होता है ठीक करना। क्यूरेटिव मतलब होता है, एक बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्यूरेटिव का मतलब, क्योर करना किसी को कहते हैं, ठीक करना, कोई बीमारी हो गई उसको आप ठीक करते हो। तो बीच में मान लो कोई बीमार व्यक्ति है तो हम उसको डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने दवाई दी, वो ठीक हो गया, इसको बोलते हैं क्यूरेटिव मेजर। एक होता है प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव हो गया जिसमें हम वैक्सीनेशंस लगाते हैं, है ना, कि भाई ताकि हो ना, बीमारी हो ना, हम पहले से बच के चलते रहें, तो उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव। क्यूरेटिव मतलब बीमारी हो गई और उसको अब ठीक कैसे करा जाएगा। ठीक है जी, ये मतलब होता है। तो क्यूरेटिव मेडिसिन मतलब कि कुछ हो गया अब उसको ठीक कैसे करेंगे। तो मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस, भाई कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको हम क्या करते हैं, बीच में मेडिकल इंटरवेंशन मतलब कि उसको हम डॉक्टर के पास ले गए या दवाई दे दी बीच में, तो वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो बच्चे तो 24 का भी भेजना शुरू कर दिए। फॉरेन डिमांड फॉर इंडियन हैंडीक्राफ्ट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय, बताओ इंडियन हैंडीक्राफ्ट की डिमांड क्यों डिस्ट्रॉय हुई थी। वेरी गुड, सही भेजा सभी बच्चों ने। हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट, ब्रिटिशर्स चालाक थे, उन्होंने हमारे एक्सपोर्ट्स पर ज्यादा ड्यूटी लगाना शुरू कर दिया था। यस, सही बच्चों का, वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद 25, व्हाट हैपेंड विद द रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स इन द डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट में रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स का क्या हुआ, तो पढ़ते हैं। ए ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। मतलब ब्रिटिशर्स जो थे वो हमारे रॉ मटेरियल तो फ्री में ले जाते थे बाहर, और अपने गुड्स हमारे यहाँ फ्री में इंपोर्ट भी करवा देते थे। हाँ, यही होता था, तो यानी कि यही ऑप्शन वैसे सही है, बिल्कुल, है ना, यही तो ब्रिटिशर्स करते थे, हमारे रॉ मटेरियल को तो फ्री में एक्सपोर्ट करवा देते थे बाहर, अपने यहाँ फ्री ले जाते थे, और अपने फिनिश गुड्स को भारत में फ्री कर रखा था, ड्यूटी फ्री कर रखा था, तो यही ब्रिटिशर्स की चाल थी। उसके बाद और क्या है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है जी, ट्वेंटी सिक्स। तो 26, 26 में कह रहा है डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स वाज ड्यू टू, बताओ हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री का जो डीके हुआ, पतन हुआ, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट, स्टेट मतलब ब्रिटिशर्स, हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया, बताओ, या नन ऑफ देम या ऑल ऑफ देम, मतलब ए और बी बोथ। तो 26, ओके ओके, हाँ, तो इसमें हम बी भी शामिल करेंगे क्योंकि ये भी रीजन था, ये भी रीजन था। तो हैंडीक्राफ्ट्स के डीके के पीछे ये भी रीजन था कि ब्रिटिशर्स ने रेलवेज जो इंट्रोड्यूस कर दी, तो उससे आसानी से सामान इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, या इंटरनेशनली बिकना शुरू हो गया। तो ब्रिटिशर्स
अपनी इंडस्ट्री के बनाए हुए गुड्स को आसानी से इधर उधर पहुंचा सकते थे, और फिर इसीलिए डोमेस्टिक गुड्स को ही नहीं खरीद भी रहा था। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का डिक्लाइन का कारण डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी भी थी ही थी, और इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज भी था ही था। तो मतलब ए एंड बी बोथ। ओके ओके ठीक है, तो बच्चों ने भी डी भेज रखा है। हाँ बिल्कुल सही सारिका। अच्छा उसके बाद 27, स्टेट वन ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो इसमें आप ये लिख सकते हो कि इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था वो 50% से भी ज्यादा किसके साथ होता था, सिर्फ ब्रिटिशर्स के साथ होता था। तो ब्रिटिशर्स ने काफी ज्यादा कंट्रोल कर रखा था भारत के फॉरेन ट्रेड को। तो ये आप लिख सकते हो इस तरह से कि ब्रिटिशर्स के पास क्या था, सब्सटेंशियल कंट्रोल था ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, ये लिख सकते हो। तो ब्रिटिशर्स के पास कैसा कंट्रोल था भारत के फॉरेन ट्रेड का, काफी ज्यादा कंट्रोल था। चलो ठीक है, तो पहले भी यहां तक के थम्सअप भेजो कि यहां तक कहानी क्लियर, वन नंबरी। हाँ मोनोपोली कंट्रोल भी कह सकते हैं बिल्कुल, या मोनोपोली कंट्रोल एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स ब्रिटिश, बिल्कुल ये भी कह सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटिशर्स, यस ये भी कह सकते हैं। और थोड़ा बहुत चाइना एंड श्रीलंका, यस बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। ओके ओके ठीक है जी। चलो ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। बस अब कुछ छुटमुट छुटमुट वो बचे हैं, वो और देख लेते हैं एक बार, डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है क्वेश्चंस। 28 से हमारे 3 नंबरी क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। चलो ठीक है, तो अब 28 में क्या कह रहा है, हाउ इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एक्सप्रेस्ड, व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हिच इन योर ओपिनियन इज अ बेटर मेजर। तो एजुकेशन को एक्सप्रेस करने के सरकार के क्या तरीके हैं एक्सप्रेशन के, तो है किसी बच्चे को पता, ऐसी नॉलेज बेस्ड, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। तो सरकार जो शिक्षा पर खर्चा करती है उसे या तो वो जीडीपी की परसेंटेज में देखती है कि भाई जीडीपी का कितना परसेंट हम खर्च करेंगे, या फिर वो सरकार अपने जो भी टोटल खर्चे होते हैं उस खर्चे के परसेंटेज के हिसाब से देखती है कि भाई हमने अगर 100 रुपए खर्च करे तो एजुकेशन पे 5 रुपए कर दिए। तो ये तो हो गया अपने एक्सपेंडिचर के परसेंटेज के हिसाब से देखती है, या फिर सरकार देखती है कि देश का जो भी जीडीपी है, मान लो देश की जीडीपी ऐसी बोल रहा हूं 100 करोड़ रुपए है, तो उसका कितना हम एजुकेशन पर खर्च कर रहे हैं, मान लो 10 करोड़, तो वो हो गया परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो सरकार दो तरह से एजुकेशन के खर्चे को एक्सप्रेस करती है। तो बस वो इसमें पूछ रहे हैं कि ज्यादा बेहतर कौन सा है, तो ज्यादा बेहतर होता है परसेंटेज ऑफ जीडीपी। जो रिसेंटली सरकार ने, ये ध्यान रखना, जो रिसेंट एजुकेशन बिल आया है उसमें इसको बढ़ाया है लिमिट को, जो कई साल से काफी कम चल रही थी अब उसको सरकार ने 6% ऑफ जीडीपी करके बढ़ा दिया है, पहले ये कम हुआ करता था। हाँ तो सही, ठीक है ना, तो 3 नंबर में ये कहानी लिख सकते हैं आप। अच्छा चॉइस क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज इट नॉट इजी टू मेंटेन एन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट ऑफ 2% फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया। ठीक है ये जेनरिक क्वेश्चन है। हाँ 6% भेज रहे हैं बच्चे, वेरी गुड। चलो अब ये बताओ कि
भारत जैसे देश में एम्प्लॉयमेंट हर साल 2% बढ़ाना क्यों मुश्किल है? क्यों एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना भारत जैसे देश में मुश्किल है, बताओ? हाँ, वेरी गुड। एक तो पॉपुलेशन ह्यूज, क्योंकि जितनी रफ्तार से हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ा भी दें, उससे डबल ट्रिपल रफ्तार से तो पॉपुलेशन बढ़ रही है। वेरी गुड। तो इसी वजह से जॉबलेस ग्रोथ का भी कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ, ये भी इन्वेस्टमेंट जितना होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने, नौकरियां बढ़ाने के लिए जितना निवेश होना चाहिए उतना होता नहीं है। वेरी गुड। तीसरा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। वेरी गुड। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का हम ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं, तो इस चक्कर में कुछ तो नौकरियां मशीनों ने ले ली और इंसानों को नौकरी नहीं मिल पाती। वेरी गुड। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चरल चेंज, राइट, ये भी लिख सकते हैं, रक्षित ने भेजा। ठीक है, ठीक है, तो कोई भी तीन रीजन लिख सकते हो आप, ठीक है ना? तीन नंबर का क्वेश्चन है, कोई भी आप चार में से कोई भी तीन रीजन लिख सकते हो। सही, ठीक है। इलिटरेसी, पॉवर्टी, हाँ ठीक है, ये भी चल जाएगा अदर अदर पॉइंट्स में। चलो ठीक है, उसके बाद 29 कह रहा है, इकोनॉमिस्ट एंड स्कॉलर्स हैव आइडेंटिफाइड सर्टेन की इश्यूज दैट आर एसोसिएटेड विद रूरल डेवलपमेंट, राइट द नेम ऑफ सम की इश्यूज। तो रूरल डेवलपमेंट में बताइए क्या क्या चीजें, मतलब हम पढ़ते हैं रूरल डेवलपमेंट में क्या चीजें कवर की जाती, क्या इश्यूज हैं? सबसे बड़ा इशू क्या है रूरल डेवलपमेंट में? हेल्थ, क्या बोल रहा है बच्चा? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मतलब कि हम मशीन का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, मशीन का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो लेबर का कम करेंगे, लेबर का कम करेंगे तो नौकरियां कम हो जाएंगी। ओके, रूरल क्रेडिट बच्चा भेज रहा है। और क्या इश्यूज होते हैं रूरल डेवलपमेंट में? सबसे पहले हेल्थ होता है ना, लिटरेसी होता है, रूरल क्रेडिट भी कर सकते हो, होता है, और पॉवर्टी होता है, या पॉवर्टी एलिविएशन कह लो, पॉवर्टी कैसे कम होगी, ये की इशू होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है। तो बस ये सब बहुत सारे की इश्यूज हैं। हाँ, रूरल क्रेडिट, लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, यस, हेल्थ, यस, माल न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। हाँ, ठीक है, हाँ, तो कोई भी आप इसमें चार, कोई भी चार की इश्यूज लिख सकते हो, ठीक है ना? तो रूरल डेवलपमेंट में कह रहा है कुछ सर्टेन की इश्यूज बताओ क्या हैं, तो ये इनमें से कोई भी की इश्यू आप लिख सकते हो। चलो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाउ इज इट एस्टिमेटेड? तो ये किसी को याद है जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या थी और ये कैसे निकालते हैं? जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या थी? चलो, तो ये देखते हैं कौन बच्चा भेजेगा। हाँ, दादा भाई नेहरू जी, वेरी गुड। ठीक है, बिल्कुल सही। और ये किस आधार पे निकाला था? वी यूज द मेन्यू ऑफ प्रिजनर टू कैलकुलेट पॉवर्टी लाइन। वेरी गुड। तो जो उस समय प्रिजनर्स को, कैदियों को खाना मिलता था, उस खाने के हिसाब से पॉवर्टी लाइन को बनाने का एक कॉन्सेप्ट निकाला गया। बिल्कुल सही। हाँ, दादा भाई नायरू जी, सही हो गया। और जेल में जो कैदी होते थे उन्हें कितना खाना मिलता था इस आधार पे निकाला जाता था। तो फिर कैसे निकाला, क्या फॉर्मूला था, याद है किसी को?
क्या करा था उन्होंने भाई, उन्होंने ये कहा कि मान लो ये पूरी जनसंख्या है, टोटल जितने भी लोग हैं, इसमें तीन हिस्से कर लो, ठीक है, तीन हिस्से कर लो, एक दो तीन, तो ये है मेल पुरुष वर्ग, ये है फीमेल, मतलब जो एडल्ट्स हैं, जो बड़े हैं, ये दोनों एडल्ट्स हैं, और कुछ हैं बच्चे, बच्चों को क्या लिखूं, किड्स, ठीक है। फिर क्या करा, 1/3 हैं एडल्ट मेल, 1/3 हैं एडल्ट फीमेल, और 1/3 हो गए चिल्ड्रन। फिर क्या हुआ, हाँ, बच्चे भेज तो रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, सारिका ने भी भेजा, वेरी गुड। तो भाई ये तो अपना खा रहे हैं पूरा, ये 1/3 लोग, ये 1/3, ये भी अपना महिलाएं खा रही हैं। अब बच्चों में ये जो 1/3 बच्चे हैं, इसमें आधे बच्चे ऐसे हैं जो कुछ नहीं खाते, तो 1/3 का आधा कितना हो गया, 1/6, और दूसरा आधा कितना हो गया, वो भी 1/6। तो 1/3 बच्चे जो हैं वो तो कुछ भी नहीं खाते, ये तो है निल, ये कुछ नहीं खाते, और ये भी जो डाइट लेते हैं ये बड़ों की डाइट का आधा लेते हैं। तो इस तरह से मतलब एक फॉर्मूला बन गया कि पुरुष वर्ग पूरी डाइट ले रहे हैं, प्लस महिला वर्ग पूरी डाइट ले रही है, प्लस आधे बच्चे कुछ नहीं खा रहे, प्लस आधे बच्चे आधी डाइट ले रहे हैं। तो उन्होंने ये फॉर्मूला निकाल दिया कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बनाने का, और वो किसके बराबर आ गई, हाँ सही भेजा सारिका ने, ये बराबर आ गई 2/3 ऑफ जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो पॉवर्टी लाइन जो है वो, उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये एक तरीका निकाला था दादा भाई नायरोजी ने, कि भाई जेल के कैदी को जितना खाना मिलता है उसका 3/4, राइट, हाँ, उसका 3/4 अगर किसी को मिल रहा है तो मतलब वो गरीब नहीं है, और उतना भी नहीं मिल रहा, उससे भी कम मिल रहा है तो गरीब है। तो ये दादा भाई नायरू जी ने इस तरह से करा था, ठीक है जी। तो बच्चों को भी इसका मतलब पता है, वेरी गुड, ठीक है, क्लियर हो गया सबको। तो ये वैसे अगर किसी ने नहीं पढ़ रखा तो आपकी किताब में दे रखा है। चलो उसके बाद क्या कह रहा है, 31, एक्सप्लेन द चेंजिंग रोल ऑफ स्टेट इन इंडियन इकोनॉमी सिंस इंट्रोडक्शन ऑफ रिफॉर्म्स। ठीक है, तो इसमें आपको यह बताना है कि रिफॉर्म्स आने के बाद सरकार यानी कि स्टेट का क्या रोल था, यह बताना है। तो कुछ रोल बता सकते हो सर? ओ 2/3 लिख दिया था, ओ सॉरी सॉरी, 3/4, यस 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 यस, 3/4, सॉरी, वो 2/3 लिख दिया था मैंने गलती से, 3/4 था, पिछले क्वेश्चन में बच्चों ने भेज दिया, ठीक है बच्चों, ओके। चलो तो ठीक है, तो अब जब रिफॉर्म्स आए भारत में, तो उस रिफॉर्म में इंडियन इकोनॉमी में स्टेट का मतलब सरकार का रोल क्या हो गया था, कुछ उस पर टिप्पणी कर सकते हो आप, स्टेट का रोल क्या हो गया था सरकार का? तो क्या लिखना है इसमें, आंसर क्या बनेगा? चलो क्वेश्चन बताता हूं, देखो जब रिफॉर्म्स आए, मतलब रिफॉर्म्स कब आए, 1991 में आए, तो उसके आने के बाद स्टेट, स्टेट मतलब सरकार जो है उसका क्या रोल था, उसने क्या करा? तो इसमें आंसर एक ही चीज के थोड़ा सा आजू बाजू घुमाना है, या एक ही चीज पर कॉन्सेंट्रेट करना है, कि जो पब्लिक सेक्टर था, मतलब सरकारी सेक्टर था, उसने अपने रोल को काफी कम कर लिया, पब्लिक सेक्टर ने अपने रोल को काफी कम कर लिया, और ड्राइविंग सीट पर प्राइवेट सेक्टर बैठ गया।
ठीक है ना। ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स कौन करने लगा? प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर ने अपनी इन्वेस्टमेंट को काफी रिस्ट्रिक्ट कर लिया। पब्लिक सेक्टर ने सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट को कुछ ही कुछ सेक्टर्स के अंदर रख रखा था, मान लो डिफेंस हो गया या कुछ एनर्जी हो गया, पावर जनरेशन, बस। लेकिन ज्यादातर सेक्टरों में उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को ड्राइविंग सीट दे दी। तो इसी के इर्द गिर्द आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा। हाँ, लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल सही। गवर्नमेंट के रोल डिक्रीज हो गए थे, बिल्कुल सही। हाँ, ये भी लिख सकते हैं कि हेल्थ एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट ने थोड़ा इन्वेस्ट ज्यादा करना शुरू कर दिया, बिल्कुल सही। या लॉ एंड ऑर्डर पर गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान देने लगी, बिल्कुल सही। हाँ, बस बस प्राइवेटाइजेशन, बस। मतलब ये एक तरह से क्वेश्चन है प्राइवेटाइजेशन का, बस। और उसमें ये कि गवर्नमेंट का रोल क्या है, कम हो गया या लिमिटेड हो गया, बस उसी बात को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाँ सही, डिसइन्वेस्टमेंट करी, बिल्कुल सही। ये भी लिख सकते हैं, सही, परफेक्ट। ठीक है, उसके बाद चॉइस क्वेश्चन, डू यू थिंक देयर इज एनी कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन ग्रोथ एंड सेल्फ रिलायंस एंड ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि क्या आपको लगता है कि ग्रोथ एंड सेल्फ रिलायंस जो हम एक बात कहते हैं उसमें, और ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जो हम कहते हैं उसमें कोई अंतर है? क्या आपको लगता है? बताओ। हम कह रहे हैं ग्रोथ और सेल्फ रिलायंस, और हम कह रहे हैं ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट, तो वो ये पूछ रहा है क्या इसमें कुछ अंतर है, या आपको कोई अंतर लग रहा है? बताइए जी। तो डू यू थिंक देयर इज एनी कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन ग्रोथ एंड सेल्फ रिलायंस? ग्रोथ और सेल्फ रिलायंस में कोई कॉन्ट्राडिक्शन है? एंड ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, और ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट में कोई कॉन्ट्राडिक्शन है? अच्छा, इनके कॉन्ट्राडिक्शन पूछ रहे हैं, तो चलो थोड़ा सा डिजाइनिंग चेंज कर देते हैं। तो बताओ बच्चों, क्या आपको लगता है कि ग्रोथ और सेल्फ रिलायंस इन दोनों में कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, मतलब ये कहीं टकरा जाते हैं आपस में, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, या इन दोनों में ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट में आपको लगता है कि ये आपस में टकरा जाएंगे, कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे? क्या लगता है? यस कह रहे हैं बच्चे, तो यस, ठीक है, यस। चलो तो पहले मैं इसको समझा देता हूं, अगर एक बार फिर आप देखना कि आप भी यही सोच रहे थे भाई। सेल्फ रिलायंस तो ये कहता है, सेल्फ रिलायंस तो ये कहता है कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। सेल्फ रिलायंस का मतलब तो ये है कि हम इंपोर्ट करेंगे नहीं, और बस हम अपने अपने लिए जितना हमें चाहिए हम उतना कर देंगे, जितनी हमें आवश्यकता है बस हम उतना कर देंगे, बाकी हम इंपोर्ट कुछ नहीं करेंगे, बाहर से गुड्स जो हैं वो अच्छे हम मंगवाएंगे नहीं, है ना। अब जब हम अच्छी चीजें मंगवाएंगे नहीं, भाई देखो हमें बाहर से कुछ चीजें मंगवाने की भी तो आवश्यकता पड़ती है ना। बाहर इतनी अच्छी अच्छी मशीनें मिलती हैं, हम कह रहे हैं नहीं वो हम नहीं मंगवाएंगे। बाहर इतने अच्छे अच्छे सस्ते रॉ मटेरियल मिलते हैं, हम कहते हैं नहीं हम वो नहीं मंगवाएंगे। तो ठीक है, इससे हम सेल्फ रिलायंस तो कर लेंगे, हम अपने आप सेल्फ निर्भर तो बन रहे हैं, लेकिन ज्यादा सेल्फ रिलायंट बनने के चक्कर में कहीं ना कहीं हम अपनी ग्रोथ को भी रोक लेंगे फिर बच्चों। ये भी ध्यान रखना, आपकी ग्रोथ थोड़ा सा रुक जाएगी। अगर हम अच्छी मशीन बाहर से नहीं खरीदें, हम अच्छे रॉ मटेरियल बाहर से नहीं लें, और हम सोचे बस हम तो इंडिया इंडिया की मशीन लेंगे, इंडिया इंडिया का अपना वो लेंगे। आपका एक अपना खुद का एग्जाम्पल्स है, इंडिया के मैन्युफैक्चर्ड मोबाइल फोन आप खरीद लोगे क्या? नहीं, आपको भी नहीं पसंद, आप कहोगे नहीं हमें तो बाहर की अच्छी चीज खरीदनी है। तो ज्यादा सेल्फ रिलायंट होने के चक्कर में कहीं ना कहीं ग्रोथ रुक जाती है। तो यस यस दे विल कॉन्ट्रेडिक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को कभी कभी कॉन्ट्रेडिक्ट कर देंगे। बोलो। हाँ
बोलो जी, यस हाँ, कॉन्ट्रडिक्ट कर देंगे। हाँ बच्चे भेज तो रहे हैं। हाँ वैसे अच्छा, अब ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट क्या कॉन्ट्रडिक्ट कर देंगी एक दूसरे को? सोचते हैं सोचते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट ज्यादा करने के लिए हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा भाई, हमें मजदूरों से ही ज्यादा काम करवाना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट बढ़े। अगर हम चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट बढ़े तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करना पड़ेगा और मशीनों का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है इससे एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ जाएगी, ठीक है ना। हम मजदूरों से ज्यादा यूज करेंगे काम और मशीन से नहीं, तो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ जाएगा, नौकरियां तो बढ़ जाएंगी। परंतु ऐसा करने से हमारे देश की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी या स्लो हो जाएगी, क्योंकि जहां मशीनों की आवश्यकता है और आपने वहां पर भी मजदूरों को लगा दिया तो वो धीरे धीरे काम करेंगे, वो प्रोडक्शन कम करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे देश की ग्रोथ भी रुक जाएगी। तो यस यस, हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट भी कभी कभी कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता है हमारे ग्रोथ के साथ। हाँ, जॉबलेस ग्रोथ, एक बच्चे ने कहा भी, एक कभी कभी जॉबलेस ग्रोथ भी हो जाती है। हाँ ठीक है ना। तो अब देख लो, ग्रोथ और सेल्फ रिलायंस भी कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, यस, तो थम्स अप भेजो हाँ, और ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट भी कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, यस, तो हाँ। तो ये हो गया पूरा आंसर, समझ में आ गया, यस। सेल्फ रिलायंस और एम्प्लॉयमेंट में क्या अंतर है? सेल्फ रिलायंस तो मतलब आत्मनिर्भर, और एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार। तो आत्मनिर्भर और ये रोजगार, ये फर्क है। ओके ओके ठीक है जी, बढ़िया, वेरी गुड। ओके ठीक है, इसके बाद है 32। 32 जो है वो एक क्वेश्चन है, पिक्टोरियल क्वेश्चन। उसमें आप देखो एक गांव का चित्र दिखा रखा है, ठीक है, इस बिल्डिंग पे लिखा है वुमेन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी कुछ ऐसा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लिखा हुआ है, कुछ लोग अपना हाथों का काम कर रहे हैं, और ये लेडी कह रही है कुछ देख के, सेल योर प्रोडक्ट ऑन ई कॉमर्स, ऐसा कुछ। तो ये पूछ रहा है कि बताओ इस पिक्चर में आपको क्या कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है और उस पर कुछ नोट लिखो। तो इसमें आप क्या क्या पॉइंट लिख सकते हो बच्चों, बताओ इसमें आप क्या क्या चीजें लिख सकते हो, इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है? तो बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं इसमें, तो वैसे सब कुछ ही दिख रहा है भाई। इसमें वुमेन का सेल्फ हेल्प ग्रुप लिख सकते हो जो वुमेन्स के लिए है, बहुत सारी महिलाएं काम कर रही हैं। इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, हाँ, लिखा ही है, तो इसमें हमको छोटी सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री दिख रही है वो, उसके बारे में आप लिख सकते हो। ये हाथों से काम कर रही है महिला, हैंडीक्राफ्ट दिख रहा है। फिर सामान को ऑनलाइन बेचने की बात हो रही है तो इसमें हम ई कॉमर्स दिख रहा है, ये भी ऐड कर सकते हैं, मतलब इसमें आप कुछ भी। हाँ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वेरी गुड, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिख रहा है, उसके बारे में एक लाइन ऐड कर सकते हो। रिड्यूस रूरल बैकवर्डनेस, वेरी गुड, कहीं ना कहीं SSI है तो इससे रूरल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, ये लिख सकते हो। कोऑपरेटिव मार्केटिंग, हाँ वो भी, वो तो आ ही गया वैसे, हाँ वो लिख सकते हो। ठीक है, तो बस 4 नंबर में, 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप आराम से मतलब कोई भी पॉइंट्स इसमें चार अपने मनपसंद लिख सकते हो जिसके बारे में आपको थोड़ा सा भी नॉलेज हो। हाँ लेबर इंटेंसिव डेवलपमेंट, सही बिल्कुल। तो आप इस चित्र में से निकालकर कोई भी अपने मन पसंदीदा 4 पॉइंट्स लिख सकते हो। उसके बाद अब है 6 नंबरी क्वेश्चन, बस फिर फिनिश हो जाएगी कहानी।
तो 6 नंबरी क्वेश्चन क्या है, आइए 33 में क्या पूछ रहा है। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 ब्रॉट सिग्निफिकेंट बूस्ट टू द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। हाउ एवर देयर वर सम एरियाज ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो सीधी सीधी बात पूछ रहा है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी 1991 की, उसके कुछ क्रिटिसिज्म लिखने हैं, ठीक है ना। तो उसमें आप कोई भी क्रिटिसिज्म लिख सकते हो कि भाई हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को नेग्लेक्ट करा, ठीक है ना। फिर हमें विदेशी गुड्स से बहुत टफ कंपटीशन मिला, रीजनल ग्रोथ जो है वो काफी अनबैलेंस्ड रही, एम्प्लॉयमेंट जितना सोचा था उतना जनरेट हुआ नहीं, कैपिटलिस्टिक मॉडल्स तैयार होने लगे, मतलब बहुत बड़े प्राइवेट सेक्टर बन गए जिन्होंने अपना प्रॉफिट तो कमा लिया लेकिन सोशल वेलफेयर को इग्नोर करा। तो आप इसमें कोई भी पॉलिसी के क्रिटिसिज्म वाले पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है ना। मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, यू कैन डू इट वेरी इजिली। अच्छा, उसके बाद चॉइस, डिस्क्राइब एनी 3 कॉजेज ऑफ पुअर हेल्थ इन इंडिया। तो ये बताओ एक बार, चलो कोई भी 3 कारण दो कि भारत में लोगों की सेहत खराब क्यों है, क्या है 3 कारण। यस, वेरी गुड। एक है मैल न्यूट्रिशन, बिल्कुल सही भेजा। और पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी भी भेज सकते हो या पॉपुलेशन भेज दो, मतलब कुछ भी लिख सकते हो, पीएनपी कर देते हैं, दोनों एक जैसे ही है वैसे, पॉपुलेशन पॉवर्टी और लैक ऑफ सैनिटेशन। हाँ, एक ये वाला पॉइंट लिख सकते हो इसमें कि सैनिटेशन सुविधाएं जो हैं वो अभी भी बहुत बेकार या कम हैं। सही, तो ये 3 मेन कॉजेज लिख सकते हो, सही, ठीक है ना। हाँ, पुअर हेल्थ के, है ना, पुअर हेल्थ के लिखने, पॉवर्टी के नहीं रीजन लिखने, पुअर हेल्थ के लिखने। कई बच्चे सोच रहे हैं 3 कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, नहीं, पुअर हेल्थ। अच्छा, उसके बाद बी, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, रीजनल इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इवन इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या आपको लगता है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी क्षेत्रीय भेदभाव है, बताओ, क्या आपको लगता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्षेत्रीय भेदभाव है, क्या आपको लगता है। एमिनिटीज मतलब होता है अनुराग सुविधाएं, फैसिलिटीज। यस, बच्चे कह रहे हैं यस, लगता है, वेरी गुड। तो आंसर तो है यस, हाँ है, रीजनल इनइक्वालिटी तो है, बिल्कुल है, रूरल अर्बन का बड़ा चक्कर है, इनफैक्ट जेंडर का भी चक्कर है, भेदभाव तो है। और कुछ कारण बता सकते हो, एक आध दो थोड़ा सा कारण भी लिख देंगे ना, ताकि 3 नंबर पूरे मिल जाएं, या कोई पॉइंट ऐसा जो आपको लगता हो कि हाँ सर भेदभाव है, दिखता है हमें, कहाँ दिखता है भाई। जैसे इसमें मुझे एक पॉइंट हाँ याद आ रहा है, वो बता देता हूँ कि भाई हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया में रहती है आज भी, लेकिन मजेदार बात ये कि जो हमारे हॉस्पिटल्स की संख्या है, मान लो देश में 5 हॉस्पिटल हैं तो उसमें सिर्फ रूरल एरिया में एक ही है, यानी हॉस्पिटल की संख्या 1/5 है सिर्फ रूरल एरियाज में। तो मतलब पॉपुलेशन भी रूरल एरिया में ज्यादा है, लेकिन अस्पताल जो हैं वो रूरल एरिया में 1/5 ही हैं पूरे देश के अगर देखूं तो, है ना। तो ये साफ दर्शाता है, यही पॉइंट क्या दर्शाता है कि रीजनल डिस्पैरिटी है, रूरल अर्बन का भेदभाव है, रूरल में जनसंख्या भी ज्यादा है पर अस्पताल कम, जबकि अर्बन एरिया में पॉपुलेशन कम है और अस्पताल ज्यादा है ना। तो ये पॉइंट लिख सकते हो, और कोई भी एक पॉइंट आप इसी तरह का लिख सकते हो देखकर किताब से, जहां पर ये पॉइंट मेंशन हो कि हाँ रूरल और अर्बन में कुछ भेदभाव है, कुछ भी लिख सकते हो। बेड्स का लिख सकते हो कि रूरल एरिया में सिर्फ 30% बेड्स ही अवेलेबल हैं, शहरों में ज्यादा हैं, इस तरह से कोई भी पॉइंट।
ओके हाँ, बच्चे भी सही भेज रहे हैं, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन बच्चों, ये 2+2+2 मतलब ट्रू फॉल्स के फॉर्म में होता है, ठीक है? तो ये भी एक बार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं बस। तो पहले कह रहा है हाई लेवल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी वॉज द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। कह रहा है आजादी के समय हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा थी, बताओ बच्चों सही ट्रू या फॉल्स? तो क्या लगता है आजादी के समय हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी क्या थी? सारी का कह रही है इसका पूरा ऑपोजिट था, है ना? तो बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही, यानी कि ये स्टेटमेंट तो बहुत बड़ा फॉल्स है, हमारी प्रोडक्टिविटी तो काफी लो हुआ करती थी, ठीक है ना? तो रीजन तो आप लिख ही लोगे। इसके बाद सेकंड, वी डू नॉट हैव एनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। कह रहे हैं भारत में कोई भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ही नहीं, तो बताओ ट्रू या फॉल्स? नहीं है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी? भारत में कोई भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है कह रहा है, तो क्या कह रहा है वो? गलत कह रहा है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीयां हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन 20 से ज्यादा हैं, 20 से ज्यादा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं। फॉल्स, हाँ वी हैव यूनिवर्सिटीज, बच्चे भी कह रहे हैं, ठीक है ठीक है। उसके बाद थर्ड सी, इंटरनेशनल ट्रेड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। कह रहे इंटरनेशनल ट्रेड जब हम करते हैं उसका आधार, उसका बेस जो है वो किस पर आधारित है? प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, यानी कि हम कॉस्ट एडवांटेज देखते हैं कि कहां से हमें सामान सस्ता मिलेगा या कहां हम सामान ज्यादा में बेच सकते हैं, मतलब जो भी हम अपने कॉस्ट की एडवांटेज का कंपेयर करते हैं, और इस आधार पर इंटरनेशनल ट्रेड हम करते हैं। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? बच्चे कह रहे हैं सहमत हैं, ओके ओके वेरी गुड। हाँ तो ट्रू, बिल्कुल सहमत हैं। रीजन बीइंग कि जब भी कोई कंट्री या कोई भी व्यक्ति इंटरनेशनल ट्रेड करता है तो वो अपने साथ या अपने लिए कॉस्ट एडवांटेज को ही देखता है। तो हम भी अगर कहीं से रॉ मटेरियल मंगवाते हैं तो हम चाइना से क्यों मंगवाते हैं रॉ मटेरियल? क्योंकि वहां से हमें सस्ते पड़ते हैं। तो बिल्कुल सही, तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो आधारित होते हैं कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज मॉडल से, बिल्कुल। हाँ बच्चे भी ट्रू भेज रहे हैं बस। चलो तो देख लो, ये हो गया पूरे 34 क्वेश्चन फिनिश, ठीक है? तो अब आप देख लो जी, अब हमने कर लिया सारा कंप्लीट, इस किताब से हम पढ़ रहे थे जिन्हें नहीं पता। तो मैक्रो 40 फिनिश, इंडियन 40 फिनिश। तो अब मुझे भेजो फाइनल थम्सअप ताकि हम छुट्टी कर सकें, कि आज का पूरा अच्छे से पेपर क्लियर हो गया सारी चीजें। इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पेपर अगर आएगा तो अब आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो, टाइमली फिनिश कर सकते हो। डन डना डन डन, क्लियर, 5 स्टार, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, फिनिश, हाँ फिनिश, पूरा फिनिश, नंबर पक्के, वेरी गुड, ओके वेरी गुड, ठीक है, क्लियर, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो सब बच्चे कह रहे हैं कि डन, चलो बढ़िया। तो आज मुझे भी आनंद आया, आज की क्लास में आपके साथ बड़ा अच्छा लगा, सही डिस्कशन हो गया, सही पेपर हो गया। चलो ठीक है बच्चों, ठीक है, तो फिर बाय बाय आज के लिए, टाटा टेक केयर,
अगली कक्षा में मिलेंगे, तब करेंगे फिर एक और पेपर आपके साथ डिस्कस, ठीक है? तब तक अपना नॉर्मल रिवीजन करते रहना। बाय बाय।